into each element of a row are equal of a determinant B, either the equimultiple of the corresponding elements of one or both rows are column, the value of the determinant remains unchanged. We have to do this one. ठीक है. And then like data with a determinant having elements A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. ठीक है. And data one with a determinant which is obtained by adding first column and k multiples of second column. ठीक है. माने second first column is replaced by first column plus k times second column. Even first column is replaced by first column plus k times second column. ठीक है. तो देखिए डेटा वन कैसे आपको मिलेगा. इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के ईच एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, ए वन प्लस के टेन बी वन. ठीक है. सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, ए वन प्लस के टेन बी वन. फिर दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए टू प्लस के टेन बी टू. तीसरा एलिमेंट क्या होगा, ए थ्री प्लस के टाइम बी थ्री. और सेकेंड कॉलम आपका अनचेंज है, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री. ठीक है. तो हमको दिखाना है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा वन एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा टू इससे हमको क्या दिखाना है, डेल्टा वन की वैल्यू है डेल्टा के बराबर है, मतलब आर इंटरचेंज है, आर रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम by sum of first column and k times of second column with the corresponding element. ठीक है. ये चीज आपको दिखाना है. तो देखिए जो इस डेटा वन का जो फर्स्ट कॉलम कैसे मिला आपको, डेटा के फर्स्ट कॉलम में k times of second column ऐड कर दें, k times of second column क्या कर दें, ऐड कर दें. ठीक है. तो डेटा वन कितना है, डेटा वन इज इक्वल है ए वन प्लस के बी वन. ठीक है. और ए टू प्लस के बी टू एंड ए थ्री प्लस के बी थ्री. ठीक है. ये क्या आपका बी वन है, यहाँ पर बी टू है, यहाँ पर बी थ्री, यहाँ पर सी वन है, सी टू है, सी थ्री. ठीक है. अब इसको क्या करते हैं, इसको जो है दो पार्ट में ब्रेक करते हैं बाय यूनिक प्रॉपर्टी सेवन. प्रॉपर्टी सेवन यूज करके इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है. देखिए तो जैसे इसको आप ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री. ठीक है. फर्स्ट कॉलम जो है ए वन ए टू थ्री बन जा रहा है, सेकेंड कॉलम बी टू बी थ्री बन जा रहा है, सी टू सी थ्री बन जा रहा है. प्लस ठीक है, आप इस प्लस के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट ब्रेक कर देते, ये जो है जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट बनेगा उसका सेकंड फर्स्ट कॉलम के वन बी वन के टू बी टू के बी थ्री हो जाएगा. यहाँ क्या लिखेगा, ये हो जाएगा के बी वन और के बी टू. ठीक है. और के बी ये हो जाएगा आपका बी वन बी टू और बी थ्री. ठीक है. ये हो जाएगा आपका सी वन सी टू और डेटा वन. क्या हो जाएगा, डेटा वन हो जाएगा आपका, डेटा वन इज इक्वल टू, ये तो आपका डेटा है, ये बस क्या होता डेटा है, इसको आपने सपोज किया डेटा, इसको डेटा लिख दिया. फिर प्लस अब देखिए इसमें के आपका कॉमन हो जाएगा, के जस्ट फर्स्ट अलग के ईच एलिमेंट के साथ है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा. जैसे क्या लिखे के टाइम्स बी वन बी टू बी थ्री, फिर बी वन बी टू बी थ्री आपका सेकेंड रो ही कॉलम है, थर्ड कॉलम आपका सी वन सी टू सी थ्री. ठीक है. तो जो दूसरा डिटरमिनेंट मिला है इसका दो कॉलम सेम, ये जो डिटरमिनेंट है इसका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एक ही है, तो ये टू कॉलम आर टू रोज
आपका डिटरमिनेंट इज सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है। इफ टू कॉलम आर टू रोस आपका डिटरमिनेंट इज सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यहां देखिए फर्स्ट कॉलम क्या गिवन बी टू बी थ्री है, सेकंड कॉलम भी गिवन बी टू बी थ्री है, इसमें दो कॉलम क्या सेम है ना, देखिए इसमें दो कॉलम क्या है मतलब सेम है ना, ये डिटरमिनेंट में सी1 क्या है सी2 के बराबर है, तो जब सी1 सी2 के बराबर है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी है, जब किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इफ टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट इज सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज उसकी वैल्यू वही है जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट